सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार एक ब्राह्मण देवता एक यात्रा से गुजर रहे थे, भोजन पानी खत्म हो गया, एक बड़ा सा नगर मिला, बड़ा सा नगर, बड़ी बड़ी बड़े बड़े मकान थे, कई कई मंजिला उसमें, बड़े बड़े सेठ रह रहे हैं, बड़े बड़े बाजार थे। ब्राह्मण ने सोचा यहाँ तो अच्छा अच्छा भिक्षा और सब कुछ हो जाएगा। वो बेचारे अंदर गए, भिक्षां देहि, बड़े बड़े सुंदर सुंदर घरों के सामने जाकर बोल रहे हैं भिक्षां देहि, लेकिन कोई भिक्षा देने नहीं आता। आश्चर्य में पड़ गए, इतने बड़े बड़े मतलब सो गोल्ड बड़े बड़े लोग, कोई भिक्षा नहीं दे रहा। दुखी हो गए, आगे बढ़ गए कि तभी एक संत मिले। उन संत ने कहा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, इतने परेशान क्यों हो? बोलो साहब, इतना सुंदर नगर, इतने इतनी मतलब सब मतलब अच्छा विराटता दिखाई दे रही है, कोई भिक्षा नहीं दे रहा। संत कहते हैं, यहां मनुष्य नहीं बसते, पशु बसते हैं। बोला मतलब? बोला दिखने में तो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। बोला दिखने में दिख रहे हैं ना, ये सब पशु है। बोला मतलब? अपने थैले में से एक चश्मा निकाल के दिया। बोला ये चश्मा तुम्हें मनुष्य और पशु में भेद बतवा देगा। ब्राह्मण देवता ने अपने आंखों पर वो चश्मा चढ़ाया, वास्तव में जहां देखे वहां जो इंसान दिख रहे थे वो पशु दिखने लगे। बोला अब तुम ढूंढो मनुष्य। ब्राह्मण देवता आगे बढ़ते जाए, इतने में एक मोची जूते बना रहा था। ब्राह्मण देवता के चश्मे ने उसमें मनुष्य देख लिया, उसमें मनुष्य ही दिखाई दिया। ब्राह्मण देवता उसके पास गए, भैया बड़ी भूख लगी, क्या प्रसादी मिल पाएगी? मोची से कह रहे हैं। मोची तुरंत उठा, उसने देखा उसकी कटोरी में कुछ आठाना बाराना पड़ा था, दौड़ा और दौड़ के सीधे हलवाई के पास पैसे रख दिए। बोला इसमें जितना आता है ब्राह्मण देवता को दो आप, ये मेरे वो कई कई जन्मों के, आप जब देते हैं, जब आप मंदिर में देते हैं, दान में देते हैं, किसी को देते हैं, तो आप देते नहीं है, आपके पूर्व जन्म का कर्ज है जो उतरता है। बोला मुझे नहीं मालूम किस भेष में नारायण आए हैं, लेकिन अगर मुझसे इन्होंने मांगा है तो निश्चित मान के चलो कि मेरा कुछ ना कुछ लेन देन होगा। आप तुरंत इनकी इनकी शुदा तृप्ति कर दीजिए, आप इनको भोजन कराइए बहुत अच्छा। और जब हलवाई को पैसे दिए, दौड़ के अप बैठ गए ब्राह्मण देवता, वो बैठे भोजन वोजन जो भी उतने में दौड़ के गया, और उसके पास बड़ी सुंदर सी जूतियां बनी रखी थी, उन जूतियों को उसने बड़ा सुंदर सा किया। जब तक वो आया, दौड़ के खड़ा हो गया, ब्राह्मण देवता भोजन करके आएंगे, मैं उनको जूती पहनाऊंगा। उसी देश का एक राजा, उसी नगर का जो राजा था, उस राजा के यहां एक मोची पहुंचा, मंत्री लेकर पहुंचे, उनको जूती पहननी थी, पता पड़ा वो जूती लेकर आए, वो जूती उनको नहीं आई। तो राजा ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत में जूती चाहिए, आज मुझे जूतियों के बिना नहीं चल पाऊंगा, और आप मुझे लाकर दो, नहीं लाकर दोगे तो दंड मिलेगा, और लाकर दोगे तो जिसकी जूती होगी, मैं 5 रुपए की जूती भी होगी तो मैं 500 रुपए दूंगा। मंत्री आया, मंत्री ने देखा चौराहे पे खड़ा मोची, कह रहा है, मोची के हाथ में जूती थी, तुरंत उसको पकड़ के, वो कुछ बोल पाता, सीधे राजमहल में ले गया। राजन देखिए जूती, राजा ने जूती पहनी, बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिक्स उन्हीं के नाप की। राजा कहते कितने की है ये? बोला वैसे तो इसकी कीमत 5 रुपए है, लेकिन बोला लेकिन कुछ नहीं, मैंने तुम्हें 500 दिए, और चूंकि ये जूती मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने तुम्हें 500 और दिए। मंत्री जी आप इनको 1000 रुपए दीजिए। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साहब ये मेरे पैसे नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है। बोला फिर किसका है? बोले पैसा तो ब्राह्मण देवता का है। बोला ब्राह्मण देवता का कैसे? जूती किसकी है? बोला जूती भी उन्हीं की है। बोला मतलब? बोला मैं अपने मन में संकल्प कर चुका हूं कि ये जूती मेरे को ब्राह्मण देवता को पहनानी थी, अब अगर आप ये जूती ले रहे हैं तो इसके एवज में मिलने वाली राशि मेरी थोड़ी हुई, चाहे वो 5 रुपए की हो या कितने की भी, वो तो उन्हीं की हुई, तो आपको अगर देना है तो आप ये पूरी की पूरी राशि उनको दे दीजिए। राजा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? बोला बिल्कुल मैं सही कर रहा हूं,
मेरे मन में ये है। इतने में ब्राह्मण देवता को भी मंत्री को भेजा, लेकर आओ कौन से ब्राह्मण। वो आए चश्मा लगाए हुए, तो राजा में शेर दिखाई देता है और जो अंतरी मंत्री बैठे हुए किसी में गीदड़, किसी में सियार, किसी में कुछ दिखाई देता है। वो मुस्कुराए, बोला आप क्या देख रहे हैं मुस्कुरा के। बोला राजा मैं देख रहा हूं कि आप सिंह हैं। राजा है ना, आप सिंह हैं, आपके मंत्री जी में मुझे सियार दिखाई देता है। और हकीकत देखिए, कोई व्यक्ति मेहनत करता है, कोई व्यक्ति ने मेहनत किया और उसकी मेहनत पर किसी ने अधिकार कर लिया, तो कल्पना करके देखिए, एक चूहे ने बिल खोदा और उस चूहे में, चूहे ने बिल खोदा, अपना बिल बनाया और उसमें जाकर कौन रहता है? सांप। और जो व्यक्ति इस तरह का कृत्य कर रहा है वो पूर्व जन्म में कौन था? सांप, क्योंकि वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। एवरीबडी, हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति, उस पशुता की प्रवृत्ति के साथ काम कर रहा है। ये तो हमारी आपकी एजुकेशन है, समाज है, हमने कपड़े वपड़े पहनना सीख लिए हैं, मकान मकान बनाना सीख लिया है, वरना कभी कभी हम भी अपनी पशुता दिखाने से बाज नहीं आते हैं।